हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस में स्वागत है। पिछली लेक्चर में हमने लाइट और लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। हम समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। मान लो जी कोई एक पॉलिश सरफेस है, मान लो जी कोई एक पॉलिश हुई सरफेस है, इसमें हम नीचे पॉलिश कर दे रहे हैं। पॉलिश सरफेस, इसको हम इस सरफेस को बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस बोलते हैं। जब कोई रे ऑफ लाइट इस पॉलिश हुई सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो इस पॉलिश सरफेस से टकरा कर उसी मीडियम में, सेम मीडियम में वापस लौट जाती है। जब कोई रे ऑफ लाइट किसी पॉलिश हुई सरफेस पर गिरती है तो उस पॉलिश सरफेस से टकरा कर सेम मीडियम में वापस लौट जाती है। तो ये जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस इट रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई रे ऑफ लाइट किसी पॉलिश सरफेस पर गिरती है तो वह इस पॉलिश सरफेस से टकरा कर सेम मीडियम में वापस लौट जाती है। जिस पॉइंट पर ये टकराती है उस पॉइंट को इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। जो रे इस पॉलिश सरफेस पर टकराती है उस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। उस रे को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। और यह पॉलिश सरफेस से टकरा कर लौटती है उस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। उस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। उस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। जो करंट टकराती है उस करंट को इंसिडेंट रे बोलते हैं। वो टकरा कर जो करंट लौटती है उस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इस इंसिडेंट पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं। उस लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? उस लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल के इस इंसिडेंट पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं, उस लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है वो उसे हम आई से डिनोट करते हैं। उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टर रे के बीच जो एंगल होता है, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टर रे के बीच जो एंगल होता है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्टर रे के जो बीच एंगल बनता है उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसे हम आर से डिनोट करते हैं। जो एंगल आई है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल आर है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एक बार फिर इसको समझ ले रहे हैं। जब कोई रे ऑफ लाइट किसी पॉलिश सरफेस पर गिरती है जो किरण गिरती है उस किरण को इंसिडेंट रे बोलते हैं। और आप
जो किरण गिरती है उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और टकराकर उसी माध्यम, जो किरण टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है उस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। जो रे ऑफ लाइट का पॉलर सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में लौटना, उस जो फिनोमेना जो कहलाता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। जो किरण टकराती है उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो लौटती है टकराकर उसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, और जो पॉइंट से टकराती है उस पॉइंट को हम इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। एक इंसिडेंट पॉइंट से हम एक नॉर्मल खींच देते हैं, उस नॉर्मल उसे हम नॉर्मल कहते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जैसे आई से डिनोट करते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल होता है उससे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे इसकी हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए हाइली पॉलिश सरफेस, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए हाइली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर, जो रिफ्लेक्शन होता है वो मिरर से होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है वो केवल मिरर से ही होता है। उसकी एक जो सरफेस कैसी होनी, एक की जो सरफेस होनी चाहिए वो पॉलिशदार होनी चाहिए, पॉलिश उसकी एक सरफेस पर पॉलिश्ड होनी चाहिए, तभी उससे क्या होगा रिफ्लेक्शन होता है। सच एज मिरर, जो मिरर की होती है एक साइड पर जो रेड ऑक्साइड का पेंट होता है, जो मिरर होता है उसकी जो एक साइड क्या होता है रेड ऑक्साइड का रेड ऑक्साइड का पेंट होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए हाइली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर, तो मोस्ट ऑफ हिज पार्ट, इसका जो मोस्ट ऑफ हिज पार्ट क्या लौट रहा है, रिटर्न इज रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस, मतलब जिस मीडियम से रे आती है उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए हाइली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर, मोस्ट ऑफ हिज पार्ट इज रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रे टकराती उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, टकराकर जो लौटती उसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, जिस पॉइंट पर ये टकराती है उस पॉइंट को हम इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल बनता है उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। और जो रिफ्लेक्शन के लिए सबसे जरूरी क्या है, रिफ्लेक्शन के लिए सबसे जरूरी है जो पॉलिश, जो सरफेस होनी चाहिए वो पॉलिश्ड हो जाए, उस सरफेस पर पॉलिश्ड होनी चाहिए तभी उससे रिफ्लेक्शन होगा। अगर पॉलिश नहीं होगी तो वो दूसरी मीडियम में चली जाएगी। जैसे कोई गिलास ले लो, अगर गिलास पे, गिलास मतलब कांच का कोई टुकड़ा ले लो और उस पर आप रे ऑफ लाइट डालो तो वो उसकी आर पार चली जाती है, तो ये रिफ्लेक्शन नहीं होता है। रिफ्लेक्शन के लिए जो सरफेस होनी चाहिए वो एक वो सरफेस होनी चाहिए उसकी पॉलिश्ड होनी चाहिए, तभी उससे रिफ्लेक्शन होता है। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके हम रूल को लिखाते हैं। इसके दो रूल हैं, उसको हम आगे लिखाते हैं। आप इसका पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो नियम है, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन के हैं वो दो नियम है। नंबर एक है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, यानी कि कोण आई इक्वल टू कोण एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये मान लो कोई सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, इस पर जो किरण रे ऑफ लाइट है, जितने एंगल पर मतलब ये रिफ्लेक्टिव, ये इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टिव रे, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टिव रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट पॉइंट बोल लो, इंसिडेंस, ये नॉर्मल,
क्या है ये नॉर्मल, मतलब जिस एंगल पर ये गिरती है, जिस एंगल पर गिरती है, जिस एंगल से यह सरफेस पर गिरती है उसी एंगल से ये रिटर्न होती है। मान लो ये थीटा एंगल से इस पर गिर रही है, मान लो ये थीटा एंगल से गिर रही है तो थीटा ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। जिस एंगल पर वो गिरती है, जो इंसिडेंट रे होती है जिस एंगल पर गिरती है उसी एंगल के साथ रिटर्न होती है। तो जिस एंगल, मान लो थीटा एंगल के साथ ये गिर रही है तो थीटा एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट होती है। ये द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस सरफेस से, जिस एंगल से ये गिरती है, सरफेस पर जिस एंगल से ये गिरती है उसी एंगल के साथ ये रिटर्न होती है। ये नंबर पहला नियम था। अभी नंबर दूसरा नियम है, सेकंड नियम है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे होती है आपतित किरण, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तीनों जी क्या है, एक ही प्लेन में है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो एक ही प्लेन। जी प्लेन कैसा है, जो सरफेस एक ही सरफेस तो है, सरफेस कैसी है, जी सरफेस सिंगल है, सिंगल सरफेस है। इसलिए हम कहते हैं जो इंसिडेंट रे होती है नॉर्मल होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। जो तीनों किस प्लेन में, तीनों एक ही प्लेन में हैं। तो सेकंड नियम क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो तीनों होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं। जी था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।